तो मैं एक्चुअली नागपुर से हूँ, ठीक है, और एक टाइम था जब मेरा ग्रेजुएशन वगैरह हो गया था, तो सोचा लाइफ में अब कुछ करना है कूल, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई क्या करें अब इसके बाद, तो कहता है MBA कर लेते हैं। तो जो मेरा दोस्त है उसको हम लोग सलीम भाई कहते थे क्योंकि उसका नाम ही सलीम था। तो ना उसने मुझे बोला कि भाई MBA कर लेते हैं, कॉलेज होता है IIM, अगर वहाँ चले गए तो बड़े कूल हो जाएंगे, है ना, बड़ा सही रहेगा। और उसने कुछ पता कर रखा था, तो मैंने कहा ठीक है चलो IIM चलते हैं। कहता नहीं ऐसे नहीं होता है, एक एग्ज़ाम होती है कैट, वो देना होता है। तो मैंने कहा कैसी होती है वो, मॉक दे के देखते हैं। तो हमने टेस्ट दिया, फिर लगा कि कुछ और कर लेते हैं। MSc MA टाइप कुछ कर लेते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने कहा नहीं करेंगे तो MBA करेंगे, और ठीक है पढ़ लेंगे यार, उतने भी खराब नहीं थे पढ़ाई में। तो मैं और सलीम भाई मिलके पूरा रात दिन एकदम एक कर दिया, और पूरा लग दो दो ट्यूशन लगा दी, और पूरी शिद्दत से एक साल प्रिपेयर किया कैट, और मस्त फोड़ा। और ऐसी कहावत है ना कि अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात विल मेक श्योर कि ये तो नहीं मिल रही तेरे को। होता है ना। राहुल अगर अंजलि को पूरी शिद्दत से प्यार करेगा तो अंजलि किसी ना किसी दिन पट ही जाएगी रोहन से। चेतन से भी पढ़ सकती है, रिया से भी पढ़ सकती है, पर राहुल को नहीं मिलने वाली है। तो ना हमको कॉलेज मिल गया एक मुंबई में, IIM नहीं था, बट मैं बहुत खुश था यार, नागपुर से मुंबई आ गया PG करने के लिए, अच्छा कॉलेज है ठीक है। पर वो बंदा फुल डिप्रेशन में चला गया, डिप्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन था, क्या पता नहीं। पर मैं जब पहुंचा हूँ मुंबई, फर्स्ट डे मैं कॉलेज की बिल्डिंग के बाहर खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ यार क्या मस्त बिल्डिंग है यार, नागपुर से आ गए अपन मुंबई, यहाँ मस्त है। ये भड़क गया, कहता ये भी कोई बिल्डिंग होती है, साले बिल्डिंग तो IIM की होती है, IIM की ऐसे 100 acres का कैंपस होता है, 100 लोग, एक बंदा 1 acre। प्लेसमेंट के टाइम में कंपनीज आती है ना, मैंने कहा हाँ आती है, अपना CV बना के लाती है। मैंने कहा ऐसा सब होता है क्या, कह रहा हाँ। फिर अब वो फेंकना शुरू कर दिया था कि कैसे बता दूं कि तुम चूतिए हो, यहाँ आ गए हो। ये पहले दिन चल रहा है और वो हर चीज में फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। मैं कैंटीन में खाना खा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार क्या मस्त नूडल बनाया यार, मुंबई में मजा ही आ गया अपने कॉलेज में। कहता ये भी कोई नूडल है, साले नूडल तो IIM वाले बनाते होंगे, मैंने सुना है कंप्यूटर में डाल देते हैं, कैसा टेस्ट चाहिए वही दे देता है। मैंने कहा ऐसा होता है। तो जो बाकी लोग आए थे वो समझदार होंगे, वो मुझे बोलते थे भाई किसको लेके आया नागपुर से तू, ये अपनी पागल वागल है क्या, ये साला बड़ा हो जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी, डॉक्टर उसको एक दिन आके बोलेगा मुबारक हो आपको बच्चा हुआ है, तो वहां बोल देगा जहां कोई बच्चा होता है। बच्चे तो IIM में हो रहे। तो फर्स्ट डे ये सब चल रहा है, ठीक है, वो बंदा फुल फ्रस्ट्रेशन में हर चीज में गलती निकाल रहा है, हर चीज में भड़क रहा है। तो फर्स्ट डे जब क्लास बैठी, ऐसे बड़ी सी क्लास थी 2 रो, तो मैंने उसको सबसे लास्ट में लेके बैठा कि ये बीच में कुछ बोलेगा बोलेगा, पहले दिन इंप्रेशन नहीं खराब करना है। तो मैं उसके साथ पीछे बैठा हूँ, और कॉलेज का डायरेक्टर अंदर आया, और डायरेक्टर आके सबसे पहले बोलता है कि वेलकम यू ऑल, और बच्चों मैं आप लोगों को 2 important बात बताऊंगा। सबसे पहली कि कॉन्ग्रेचुलेशन, इस साल भी हमारे कॉलेज में 67% इंजीनियर्स है। किसी भी MBA कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आपके पास अगर इंजीनियर के परसेंटेज ज़्यादा हो तो ऐसा प्लेसमेंट वगैरह सॉर्ट हो जाता है। और बच्चों दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप इस कॉलेज से MBA सीख के लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर लोगे तो आप गलत सोचते हो। कोई भी कॉलेज स्पेशली हम आपको MBA नहीं सिखा सकते, वो आपको खुद सीखना है। ये भड़क क्या कहता है, ये ले। ये खुद बोल रहे हैं MBA नहीं सिखा सकता है। हाँ ये कैसे सिखाएगा MBA, MBA तो IIM में सिखा रहे ना। मैं बताता हूँ कैसे आए इंजीनियर्स इतने सारे, ये क्या करते हैं बताऊँ, ये अपने प्रोस्पेक्टस पे सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो डाल देंगे और एक सस्ते इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर खड़े हो जाएंगे और उनको बोलेंगे आ रहे हो। वो बंदा आगे बोलेगा सर क्या पढ़ा रहे हो, अरे पढ़ाना छोड़ो फोटो देखो। सर प्लेसमेंट आ रहे हो फोटो देख। उस बंदे का चॉइस कहां से अच्छा होगा, उसने इंजीनियरिंग की है। हाँ सर, सर भड़वागिरी कर रहे हो तुम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर, 67% इंजीनियर। मतलब भाई शांत हो जाओ, डायरेक्टर सुन लेगा, बोला अरे ऐसा कौन सा डायरेक्टर, ये भी कोई बोलने की बात होती है, पहले बोल देना चाहिए था ना MBA नहीं पढ़ा सकते हैं, हम नहीं आते यहाँ पे, अब इतने सारे लड़कों का एक साथ छुट्टियां काट दिया, कह रहा है MBA नहीं पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा भाई डायरेक्टर सुन ले, कह रहा अरे ऐसा कौन सा डायरेक्टर है, 4 चवन्नी घोड़े पे डायरेक्टर। मैंने कहा चुप करना भाई। अब डायरेक्टर ने सुन लिया, डायरेक्टर को थोड़ी थोड़ी आवाज आई, तो डायरेक्टर ने देख लिया कि 2 पीछे बंदे बहुत बातें कर रहे हैं। डायरेक्टर ने बोला कि तुम दोनों खड़े हो जाओ यार, इतनी क्या इंपॉर्टेंट बात है तुम लोगों की, थोड़ा सा रुक नहीं सकते हो। मैं कहा सलीम भाई लग गई। कहता अभी रुक नहीं लगी। कह रहा सर वो मेरी मम्मी का अर्जेंट फोन कॉल आया था, वही बात कर रहा था, अब नहीं होगा सर, आई मेरी सॉरी। और बैठ गया। पूरी क्लास अब सलीम भाई को देख रही है, क्योंकि वो टाइम था 2006 का, उस वक्त रिलायंस ने दुनिया मुट्ठी में की नहीं थी, वो बस कोशिश कर रहा था।
मैं बोला तेरे पास मोबाइल है? कहता भी नहीं, चुपचाप बैठना। मैंने कहा सही है, और फिर सब देख रहे हैं। उसके बाद में डायरेक्टर भी शांत हो गया और डायरेक्टर ने पढ़ाना शुरू किया। अचानक डायरेक्टर के दिमाग में पता नहीं क्या आया, कहता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आपका मोबाइल लाइए और यहाँ रख दीजिए। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो लेके चले जाना। मैंने कहा सलीम भाई लग गए। कहता अभी रुकना। कह रहा सर आई एम वेरी सॉरी सर, अब बिल्कुल बात नहीं करूंगा, और बैठ गया। डायरेक्टर ऑफेंड हो गया। कहता भाई मैं तुम्हारे कॉलेज का डायरेक्टर हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर लो यार, मैं तुम्हारे कॉलेज में आता नहीं हूँ, आज पहली बार आया हूँ और शायद इसके बाद कभी आऊँ नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं तुम लोग अपनी लाइफ के साथ जो करते हो, ठीक है? इतने प्यार से बोल रहा हूँ, कितना मुश्किल है, ये देखो मैंने अपना मोबाइल निकाला है, ये यहाँ पे रख दिया है, और तुम भी ऐसे रख दो। तो कहता है सर वो मोबाइल ही नहीं मिल रहा है। सर ने कहा क्या? सर मोबाइल ही नहीं मिल रहा है। सर पीछे आ गए, कह रहे तू अभी अपनी मम्मी से बात कर रहा था ना? कहते सर मैंने बात तो करा था पर पता नहीं कहाँ रख दिया सर, मेरा मोबाइल ही नहीं दिख रहा है, अपना बैग देख रहा है, बेंच के नीचे देख रहा है, मुझे पूछ रहा है विनय तूने मेरा मोबाइल देखा क्या? मैं कहा मैं कभी देखा ही नहीं है। मुझे तो अभी पता चला तेरा। कह रहा चुपचाप रहना। कह रहा सर मोबाइल ही नहीं मिल रहा है सर, कहाँ मेरा मोबाइल खो गया सर, मोबाइल खो गया। तो सर समझ गया कि इसको मोबाइल नहीं देना है, जबकि उसके पास मोबाइल था ही नहीं। कहते तेरा मोबाइल नंबर बोल। वो भी नहीं, वो गिव अप नहीं कर रहा है। कहता सर 9822104048। कहता है मैं जाता हूँ अपना मोबाइल लेके आता हूँ आगे से, आज पहले तेरा मोबाइल खोजेंगे ये क्लास, उसके बाद आगे बढ़ेगी। तो डायरेक्टर आ गया मोबाइल लेने के लिए आगे में। मैंने पूछा किसका नंबर दे दिया अभी? कहता है मम्मी का। मेरे पापा ने कल ही मुझे बताया था जब मैं निकल रहा था नागपुर से कि हमारे यहाँ पे नया मोबाइल लिया हुआ है, तो उसको चार्जिंग वार्जिंग करके, चार्जिंग तो ऑन है, और पापा चले गए 4-5 महीने के टूर पे, और मम्मी को मोबाइल फोन उठाना नहीं आता है। मम्मी से बात करनी तो सिर्फ लैंडलाइन पे हो सकती है। मैंने कहा पर साले तेरे घर में कोई तो आता जाता होगा ना, किसी और ने फोन उठा लिया तो? कह रहा यार मेरी मम्मी की किन्हीं हरकतों की वजह से मेरे यहाँ पे गैर मर्द का आना जाना तो बिल्कुल मना है। मैंने कहा क्या वो चाल चलन ठीक नहीं है? मैंने कहा तू क्या बात कर रहा था, जो भी है सही, ठीक है अब यही है। और उतनी देर में डायरेक्टर आ गया, कह क्या नंबर बताया था तूने? कहता सर 9822104048। डायरेक्टर नंबर डायल किया, स्पीकर पे ऑन किया, और रिंग जा रही है। अब ये फिर से मोबाइल खोज रहा है। सर रिंग तो जा रही है पर मोबाइल नहीं मिल रहा है सर, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, पूरा खोज रहा है और मुझे देख के आंख भी मार रहा है। पूरी क्लास अभी सब बकचोदी देख रही है, इसका फोन ढूंढना चालू है चालू, और डायरेक्टर की फट गई कि भाई रिंग जा रही है, इतनी पास से वाइब्रेशन तो सुनाई आता है ना। ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है डायरेक्टर स्पीकर में, उतनी देर में सामने से किसी ने फोन उठा लिया। सामने से फोन उठा के आवाज आती है, अरे हरे वाले बटन से ही फोन उठाते हैं ना जी। और उनके पीछे से हाँ उसमें हरे रंग की बटन होगी दबा दीजिए। डायरेक्टर की फट गई कि फिर किसी महिला का गलत नंबर दे दिया किसी लड़के ने। लास्ट ईयर भी एक लड़के ने ऐसा किया था, उसके हस्बैंड ने सुबह शाम फोन करके गालियां दी थी, आज फिर किसी ने फंसा दिया। और सलीम भाई मुझे देख के बोलते विनय अब लग गई। मैं नहीं सोच रहा हूँ सब, मैं इस देख के सोच रहा हूँ कि जब पापा टूर पर है। तो आंटी जी किसे हरा बटन दबा रही है? मैं उसका चेहरा देख के उसके बाप के चेहरे से उसका चेहरा मैच कर रहा हूँ। कहीं तू ममाज बॉय तो नहीं है? लेकिन फिर उसका दिमाग काम किया, उसको लगा कि यार मैं फंस गया हूँ, अब यहाँ पे ना बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि डायरेक्टर ने कहा किसी को जानता नहीं है, और वैसे भी पहला दिन है मुझे कोई जानता नहीं है, अगर मैं अपना आईडी कार्ड अपने बैग में डाल के इस वक्त इस क्लासरूम से भाग जाऊँ तो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं कौन था। और उसने वही किया। आप इमेजिन करो क्लासरूम के पीछे बेंच में ये सब बकचोदी चल रही है, वहां पे एक लड़का अचानक बीच कन्वर्सेशन में अपना बैग लिया और धर 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 करते हुए क्लास में गया और दरवाजा बंद करके चला गया। पूरी क्लास उसको ऐसे देख रही थी जैसे आंखों के सामने से साक्षात चूतिया दौड़ते हुए गया। अबे तेरी माँ फोन पर है। वो भी क्लूलेस है, हरा बटन दबा के पूछ रही है हरा बटन दबाते हैं क्या। डायरेक्टर ने मुझे गुस्से से देखा, मैंने कहा सर सलीम शेख रूल नंबर 330। मेरी क्लास में निकाल रहे हो क्या? कहते नहीं, सस्पेंड 21 दिन के लिए। और सलीम भाई का कहना है कि अगर आप किसी काम को 21 दिन तक पूरी शिद्दत से करो फिर वो आपकी आदत बन जाती है। उसके बाद वो कॉलेज आता भी नहीं था, कॉलेज हम लोग जा रहे हैं और वो आता, हम लोग सुबह से शाम तक कॉलेज में, ऐसा नहीं कि वो बहुत फ्री है, वो भी बिजी हो गया। सुबह उठता है 6 बजे जिम जाता है, 4 घंटा जिम करके आएगा, उसके बाद कहीं दूर जाके समोसा पोहा खा के आएगा, उसके बाद आके दोपहर को सोसाइटी के बच्चों के साथ सिगरेट फूकेगा, शाम को उनके साथ क्रिकेट खेलेगा, और जब रात को हम थक के कॉलेज से आते थे हमको ऐसे लाइन में बैठा के कहता था कि तुम लोग सीरियस नहीं हो, MBA के 2 साल छुटकियों में निकल जाएंगे, प्लेसमेंट कैसे होगा,
मैंने कहा सारे मैं सीरियस नहीं हूँ। अबे तेरी प्रॉक्सी मारते मारते छह महीने से मैं इतना डिफॉल्ट मोड में आ गया हूँ ना कि अटेंडेंस शीट आती है पहले तेरी साइन मारता हूँ और फिर सोचता हूँ कि मेरी साइन कैसी है। साले मैं सीरियस नहीं हूँ। अबे हमारे मार्केटिंग के सर थे यार इतने गऊ सर, उन्होंने कभी किसी को बे तक नहीं कहा, मुझे बहन बीप बोल दिया। उन्होंने मुझे उनके एक्चुअली उन्होंने अलाउ किया था कि मेरी क्लास में बैठना कंपलसरी नहीं है। उन्होंने मुझे एक दिन गाली वाली दे दी यार, कहते विनय हराम को और भड़वे जब क्लास में अकेला बैठा है तो प्रॉक्सी मत मारना। नहीं तुझे क्या लग रहा है मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि हाँ एक है या दो है। दिख तो विनय रहा है, कहीं सलीम भी तो नहीं साथ में इसके। साले मैं सीरियस नहीं, साले हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। कह रहे बताओ उसकी भी बंदी है। मैंने कहा अबे मैंने कहा सुन, कल कॉलेज का एक लास्ट सबमिशन है, उसके बाद तू आ चाहे मत आ कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर वो सबमिशन क्योंकि तू मेरे ग्रुप में आना तेरा कंपलसरी है, उसके बाद मैं देख लूंगा, उसके बाद तेरा प्रॉक्सी का। कहता ठीक है भाई, कॉलेज कभी कभार आता था तो ऐसे आता था, आज उसने कॉलेज नहीं पूरी मानव जाति पे एहसान कर दिया है, फुल चौड़ में घूमेगा। और भैया कैंटीन वाले कैसे हो, सब सही चला ना कॉलेज में? तो मैं बैठा भाई वो सब छोड़, चल बैठ पहले प्रेजेंटेशन बना। तो बैठे हम लोग, उतनी देर में उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, मुझे कहता शेट यार विनय डायरेक्टर से बदला लेना तो रही गया। मैं क्या कहता शेट यार विनय डायरेक्टर से बदला लेना तो रही गया। मैं क्या बात कर रहा है तू, कहता शेट यार विनय। मैंने कहा अबे मेरे बोलने का मतलब है तू बोलना क्या चाह रहा है, डायरेक्टर से क्या बदला लेगा, उसने तुझे निकाला नहीं तेरी इस हरकत पे, कोई और कॉलेज होता तो निकाल देता, वो कितना अच्छा है क्योंकि मैं आ रहा हूँ तो मुझे बताऊँ उसने कितना कुछ किया यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सही बंदा है, क्या बदला लेगा उससे तू? कह रहा नहीं बदला तो लूंगा। मैंने कहा भाई कैसे लेगा? कह रहा बहुत सिंपल है, जब अपने केबिन में नहीं होगा तो उसके केबिन में लेके जाऊंगा पेंसिल, और जो उसकी चेयर है उसके सामने वाइट रंग की दीवार है ना, वहां दीवार पे पेंसिल लेके जाऊंगा और उस पेंसिल से लिखूंगा पेन से PENSE। मैंने कहा उससे क्या होगा? कह रहा तो खुद सोचना। वो अपने स्टाफ को क्या बोलेगा कि मेरे केबिन में दीवार पे किसी ने पेन से लिख दिया है। क्या लिखा है सर? हाँ बोल तो रहा हूँ पेन से लिखा है। हाँ सर पर कुछ तो लिखा होगा। अबे तुम लोग समझ नहीं रहे हो क्या सर, आप समझाओ ना। अबे मेरी जो चेयर है, हाँ सर आपकी चेयर है, उसके सामने वाइट रंग की दीवार है, हाँ सर दीवार है, वहां कोई पेन से लिख के चला गया है। सर सब पेन से ही लिखते हैं, समझ रहे हो, सब पेन से ही लिखते हैं। उसने आपकी तारीख में कुछ तो लिखा होगा ना, आपका नाम, आपकी माता जी का नाम, आपके पिता, कुछ तो लिखा होगा ना। अरे नहीं एक्चुअली पेंसिल से लिखा है, पर पेन से लिखा है। सर आप चूतिया हो गया। मैं कहा होगा डायरेक्टर अच्छा आदमी। ये आइडिया ज्यादा अच्छा है। तो मैं और वो पेंसिल लेकर के उसके केबिन के बाहर खड़े हैं उससे बदला लेने के लिए। जैसे ही डायरेक्टर केबिन के बाहर निकला, वो पेंसिल लेके अंदर घुस गया, मुझे बाहर रखा था पहरेदारी करने के लिए, ये नहीं बताया था कैसे करनी है। आप इमेजिन करो मैं डायरेक्टर केबिन के बाहर बैठा हूं, वो अंदर जाके कुछ कांड कर रहा है, अचानक डायरेक्टर है उसका स्टाफ आ जाए तो मैं कैसे बताऊंगा, दरवाजा खोल के बोलूंगा कि अरे सलीम भाई आप लग गई। कैसे बोलूंगा? और वो बंदा जैसे ही अंदर गया यार, एक मिनट भी नहीं हुआ, पीछे से स्टाफ आ गया। ये होता है ना कर्मा, पता ना आपको, कर्मा इज अ बीच, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इसका वाला बहुत जल्दी आ रहा था। कर्मा था रबड़ वो। ये अंदर घुसा, इसने कुछ लिखना चालू किया, उतनी देर में स्टाफ आ गया, और मैं क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड हूं तो मैं वहां से भाग गया। क्योंकि प्रॉक्सी मुझे ही मारनी थी। तो स्टाफ जैसे अंदर घुसा, वो लिखना चालू किया था, उसने बस पी लिखा था, स्टाफ ने आके उसका हाथ पकड़ लिया। कह रहा क्या कर रहा है दीवार पे? कह रहा ओ सर कुछ नहीं, कुछ नहीं, प्लीज हाथ छोड़ दो सर, मैं बस जा ही रहा था यहाँ से। नहीं यहाँ दीवार पे क्या लिख रहा था? सर कुछ नहीं सर, प्लीज हाथ छोड़ दो ना सर, प्लीज हाथ छोड़ दो सर, मैं चले जाऊंगा सर, मम्मी कसम सर कुछ नहीं, बता क्या लिखा था वरना डायरेक्टर के पास ले जाऊंगा, इस बार निकाल देंगे। कह रहा सर मैं तो बस पेन से लिख रहा था। हाँ पर लिख के रहा था तो। That's been my time, thank you so much for being such a wonderful audience. Back to your host.